आप इसके बाद में लाइव क्लास पे जाना है। चैप्टर और टॉपिक हमने क्रिएट कर दी, अब लाइव क्लासेस में जाना है। लाइव क्लासेस में आपको जाना है क्रिएट शेड्यूल, शेड्यूल क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करना है। डेट जानी है, जैसे कल की मीटिंग है तो 26 तारीख, टाइम मान लो 11 बजे की क्लास है, 11:45 मान लीजिए क्लास। डेट और टाइम सेलेक्ट हो गया, कौन सी क्लास में आपकी क्लास, फॉर एग्जांपल फोर्थ क्लास में आपको ए में लेक्चर लेना है, सब्जेक्ट आपका है हिंदी है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर जो अभी अभी हमने बनाया था चैप्टर 1 और टॉपिक ABC, ठीक है। मान लो चैप्टर 1 में भी 5 टॉपिक होंगे तो ये 5ों दिखाएगा, चैप्टर 1 ABC। मान लो दूसरा टॉपिक BA कर दिया मैंने, तो चैप्टर 1 में BA दिखाएगा, जितने भी टॉपिक अवेलेबल हैं चैप्टर के साथ में सारे दिखाएगा। इसके बाद में मैसेज में आप क्या करोगे, URL किसका, जो लिंक आपने जूम पे क्रिएट किया वो एज इट इज़ ला के यहाँ पे क्या कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, आपको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है वो URL जो आप WhatsApp पे पेस्ट करते हो ना, आप लोग जो लिंक क्रिएट होता है उसको WhatsApp पे पेस्ट करते हो, वो कहाँ पेस्ट करना है, आपको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है। सॉरी, यहाँ देखिए मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, चैप्टर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैसेज में आपको क्या है, वो URL सेव कर देना है। जैसे ही वो लिंक जो जूम का क्रिएट हुआ था, अपन कॉपी करते थे व्हाट्सएप पे बच्चों को भेजते हैं, वो यहाँ पेस्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो लिंक हम लोग लाएं कैसे इसके ऊपर, यानी हम लिंक इस फ़ोन के अंदर कैसे लाएं, वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लिंक तो हम डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हैं सर, उसको इस पे कैसे कैसे लेके आएं। तो लिंक आप एक दिन पहले क्रिएट करोगे, जितने भी लिंक हैं आपके कल की जो क्लासेस हैं उनका लिंक एक दिन पहले क्रिएट करोगे आप, ठीक है। उन लिंक्स को आप चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो व्हाट्सएप वेब की तरह, मान लो वो नहीं कर सकते तो आप अपने फ़ोन से लिंक क्रिएट करो, फ़ोन से लॉगिन करोगे आप तो जूम मीटिंग में सेम मेल आईडी से लॉगिन करोगे यहाँ पे, और सेम ही मेल आईडी से लॉगिन करोगे कहाँ पे, आपके डेस्कटॉप पे, तो वो जो मीटिंग है वो दिखाएगा आपके फोन कंप्यूटर पे भी। मान लो आपने फ़ोन से कोई मीटिंग शेड्यूल करी है तो आपके कंप्यूटर पे भी दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आपके फ़ोन पे भी सेम मेल आईडी है और कंप्यूटर पे भी सेम मेल आईडी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मेल आईडी है radheshyam@gmail.com, ठीक है, तो मैंने साइन इन विथ गूगल क्लिक किया था, ठीक है, डेस्कटॉप में, और वहाँ पे कोई मीटिंग शेड्यूल कर दी, और वो फ़ोन में भी जूम में क्या करूँगा, साइन इन विथ गूगल और radheshyam@gmail.com से ही, यानी सेम मेल आईडी से अगर लॉगिन करूँगा तो मुझे वो क्या दिखाएगा, वो लिंक दिखाएगा, ठीक है। उस लिंक को या तो आप फ़ोन से मीटिंग शेड्यूल करो और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, और ठीक है, तो कॉपी पेस्ट होने के बाद में आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हो गया सेम ही मेल आईडी से, आप डेस्कटॉप पे आप क्या करोगे, ओपन कर लोगे खुद को, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। दूसरा ये है कि व्हाट्सअप वेब की हेल्प से आप किसी भी मित्र को या किसी अदर फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दो वो लिंक, और तो वो लिंक आपके फ़ोन में आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, ये ऑप्शन आपको डेस्कटॉप में भी ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप में फीचर नहीं मिलेगा आपको, आप चाहो तो स्कॉलर CRP डेस्कटॉप पे ओपन करके ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है, लाइव क्लास में जाके और इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।